हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्स मैनेजर कौन होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमने बेसिकली 3 टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स मैनेजर के अंदर। तो सबसे पहले सेल्स मैनेजर होता कौन है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स मैनेजर वो पर्सन होता है जो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। जितने भी फंक्शन होते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो भी सेल्स रिलेटेड प्लान्स है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेट, जितने भी फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के फंक्शन है वो सेल्स मैनेजर ही देखता है। जो भी इंफॉर्मेशन सेल्स पर्सन कलेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर से, वो सारे किसको प्रोवाइड करवाते हैं, सेल्स मैनेजर को। और सेल्स मैनेजर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इन फ्यूचर हेल्प हो और वो अपनी प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग कर सके। और बाकी जितने भी रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड डिसीजन है, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड, उसमें भी उसे हेल्प मिले। तो हम आप पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर कि एक सेल्स मैनेजर बनने के लिए एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि कौन है जो वो सेल्स मैनेजर बन सकता है। तो सबसे पहले तो जितनी भी सेल्स पॉलिसीज है, सेल्स प्रोग्राम्स है, उन सब के लिए इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल्स मैनेजर होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है क्वालिटीज के अंदर मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजेरियल स्किल्स में हमारी क्या आएगी कि जो भी सेल्स मैनेजर है उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी सेल्स टेक्निक, लेटेस्ट सेल टेक्निक्स कौन सी यूज़ हो रही है, करंट ट्रेंड्स मार्केट इन्वायरमेंट में क्या चल रहे हैं, और गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, एबल टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट सेल्स प्लान, सेल्स पॉलिसीज, सेल्स प्रोसीजर को वो इजिली इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। तो ये सारी जो है हमारी क्वालिटीज किसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इनिशिएटिव और फार साइटेडनेस। इसका मतलब कि सेल्स मैनेजर के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो फ्यूचर इवेंट्स है जो हमारे बिजनेस के, उनको देख सके कि इन फ्यूचर क्या क्या बिजनेस इवेंट्स हो सकते हैं और जो प्रेजेंट में ट्रेंड्स चल रहे हैं बिजनेस के अंदर उनको एनालाइज कर सके, और जो भी हमारा जो प्रेजेंट है उसको एनालाइज करके फ्यूचर का आइडिया लगा सके कि इन फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं। तो सेल्स मैनेजर को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेल्स मैनेजर शुड टेक इनिशिएटिव टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स, लाइक लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ऑफ न्यू सेल्स स्ट्रेटजीज। तो एक तरह से उसके अंदर क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव आइडियाज आने चाहिए और कुछ करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारी किससे रिलेटेड होगी कि जो भी सेल्स मैनेजर है वो पहले क्या होता था कि ऐसे सेल्स मैनेजर बन जाते थे, मतलब ज़्यादा डिग्री वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो को देखें तो कॉम्पिटिशन बहुत है, तो सेल्स मैनेजर should be well qualified in marketing management or sales management from a good institute, कि उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में या फिर सेल्स मैनेजमेंट के बारे में, तभी वो अच्छा सेल्स मैनेजर बन सकता है। और उसके पास नॉलेज होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट की, ताकि वो सेल्स फोर्स को मैनेज कर सके, ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो सेल्स फोर्स को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए। एंड जो भी बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज है, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, सर्विसेज टैक्स है, तो मतलब GST है अब तो, है ना, तो इन सारे एक्ट के बारे में है, उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस भी कंपनी के साथ वो काम कर रहा है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट की जो टेक्निकल नॉलेज है वो पता होनी चाहिए, ताकि वो किसको बता सके, सेल्समैन को बता सके कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके टेक्निकल फीचर्स क्या है, कैसे हमने जो हमारा प्रोडक्ट है
उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया है, क्या रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया और क्या क्या उसकी जितने भी बाकी के फीचर्स है सारे बताने चाहिए सेल्समैन को, ताकि और जो भी सेल्समैन के डाउट्स वगैरह आते हैं, क्वेरीज आती है, उनको सोल्व कर सके, ताकि आगे जाके तब सेल्समैन कंज्यूमर के पास जाए तो वो भी सेम चीज़ कर सके, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और जो भी कंज्यूमर्स की क्वेरीज हो, डाउट्स हो, उनको क्लियर कर सके। और हर कंपनी का अपना एक यूनिक फीचर होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर क्या यूनिक है, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो हम कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमने यूनिक फीचर्स ऐड किए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारे कंपिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनसे हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, ठीक है, तो वो एक तरह से वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम उनको। इसके बाद हमारा आता है नॉलेज ऑफ बायर बिहेवियर, यानी सेल्स मैनेजर को नॉलेज होनी चाहिए बायर्स बिहेवियर की, जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्योंकि जो बायर का बिहेवियर है वो क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कि आज कुछ डिमांड कर रहे हैं कल कुछ और, जो फैशन है वो चेंज होता रहता है, जो कंज्यूमर की डिमांड है, नीड्स है, वो भी चेंज होती रहती है डे बाय डे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो बायर का बिहेवियर वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर। तो सेल्स मैनेजर को उस बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, सो दैट ही कैन फ्रेम इफेक्टिव सेल्स प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ सेल्स टेरिटरीज, यानी सेल्स मैनेजर को पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल्स टेरिटरीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और कैसे हम अपना जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं सेल्समैन के, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी जो ये हो कि हम मिनिमम टाइम लगा रहे हैं उस चीज़ पे और मिनिमम हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं और हमारे आउटपुट मैक्सिमम आ रही है। फिर हमारा मैच्योरिटी एंड पेशेंस, तो इसके अंदर क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स मैनेजमेंट की, कि वो इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो अपनी ही शुड फील रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज जॉब, कि उसकी क्या जॉब है, ठीक है, कैसे उसको डील करना है सबॉर्डिनेट के साथ, सेल्स फोर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्स मैनेजर के अंदर कि वो तब इंट्रैक्ट कर रहा है सेल्स फोर्स के साथ, है ना, जो हमारे सेल्समैन है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो डिसीज़न ले रहा है वो कॉन्फिडेंसली डिसीज़न ले, ताकि सेल्समैन को भी लगे कि हाँ हम जो डिसीज़न ले रहे हैं, जो हमारा मैनेजर है वो सही कर रहा है और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जो हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसको हम इजिली अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कोऑपरेटिव, यानी जो सेल्स मैनेजर है और जो हमारे सेल्समैन है, अगर सेल्समैन कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सेल्स मैनेजर को क्या करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक तरह से पूरी टीम है हमारी जो सेल्स डिपार्टमेंट की, उनको इंडिविजुअल नहीं काम करना, एज ए टीम काम करना है, ताकि वो अपने सेल्स का जो भी ऑब्जेक्टिव उसको इजीली अचीव कर सके, है ना। और जो बाकी के हमारे डिपार्टमेंट है, फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनके साथ भी और अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। फिर हमारे उसके बाद आता है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम, यानी जो सेल्स मैनेजर है वो किसका हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट का, और वो किसे लीड करता है, जो हमारे सेल्समैन है, जो हमारी सेल्स फोर्स है, तो तब वो लीडर के रूप में काम कर रहा है ना, तो जब वो अपना रोल प्ले कर रहा है तो हमारे जो सेल्स फोर्स है उसको अच्छे से लीड करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अच्छे से उनको डायरेक्ट करे, है ना, एंड उनके लिए ही शुड सेट ए मॉडल विथ क्वालिटीज ऑफ हार्डवर्क एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो उसके अंदर सारे अच्छे फीचर्स होने चाहिए, लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए डायरेक्ट करने की उनको, है ना, उनको एक तरह से टीम की तरह उनसे काम करवाना, उनको सेटिस्फाई भी रखना और अपने गोल्स को भी अचीव करना। इसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी सेल्स मैनेजर शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मेक्स हिम स्ट्रिक
टू हिज टास्क, कि जो भी उनका गोल्स है ना, उसके अंदर इतनी होनी चाहिए कि हाँ हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या, स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे।